सात शरीर और सात चक्रों का क्या रहस्य है? और इस वीडियो के रिक्वेस्टर हैं एसके रैना, जिन्होंने आपके ध्यान गुरुकुल के लिए 10,000 रुपीज दिए हैं। तो चलिए आज सात का रहस्य समझते हैं, और ये सात चक्रों का हमारे शरीर के साथ क्या संबंध है। सात का रहस्य भगवान बुद्ध के जीवन में भी मिलता है। कथा कहती है कि जब भगवान बुद्ध पैदा हुए थे तो वह पैदा होते ही सात कदम चले, हालांकि एक कथा है। और सिद्धार्थ ने जब घर छोड़ा, सन्यास की ओर निकल पड़े, तब 7 सालों के कठोर तप के बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और सिद्धार्थ बने गौतम बुद्ध। और बुद्धत्व प्राप्ति के 7 साल बाद वह कपिल वस्तु पहुंचे। बुद्ध ने अपने सातों चक्रों की सभी संभावनाओं को पा लिया था। बुद्ध ने सहस्रार चक्र तक पहुंचने के बाद उस परम अवस्था को पा लिया था जिसे शून्य की अवस्था कहते हैं। तो इस परम अवस्था को पाने के लिए मनुष्य को इन 7 संभावनाओं के द्वार खोलने पड़ते हैं, और ये 7 पॉसिबिलिटीज हमारे 7 चक्रास में होती हैं। तो हमारे 7 चक्रों का संबंध हमारे 7 शरीर से है, और हमारे 7 शरीर कुछ इस प्रकार हैं। पहला है ये भौतिक शरीर, जिसे अन्नमय कोश भी कहते हैं, जिसमें ऊर्जा संग्रहित होकर यह हड्डी मांस मज्जा का शरीर निर्मित करती है। बस एक साधारण व्यक्ति की पहचान अपने स्थूल शरीर तक ही सीमित रह पाती है, उसके लिए यही सत्य है। परंतु योग इसके आगे की घटना कहता है। ऐसे ही हमारे शरीर की दूसरी परत, जिसे भाव शरीर कहते हैं, और तीसरा सूक्ष्म शरीर, चौथा मनस शरीर, पांचवा आत्मिक शरीर, छठा ब्रह्म शरीर, और 7वां यानी अंतिम निर्वाण शरीर। तो एक मनुष्य में ये 7ों परत होती हैं, यानी 7 शरीर। और ठीक इसी प्रकार से हर मनुष्य में 7 चक्र होते हैं, और हर एक चक्र का संबंध आपके एक एक शरीर से है। परंतु ये चक्र आपको मेडिकल एग्जामिन में नहीं दिखेंगे, क्योंकि आपके 7ों शरीर और 7ों चक्र ये भौतिक जगत की घटना नहीं है। दीज आर नॉट फिजिकल। तो इस पर बिलीव करना, ये तो इस पर निर्भर करता है कि आपको इसका अनुभव है या नहीं। जब किसी व्यक्ति को इनका अनुभव होने लगता है, तब वह इन पर विश्वास करने लगता है। लेकिन साधारण व्यक्ति केवल इस स्थूल शरीर पर विश्वास करता है। परंतु आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, जैसे आपका ये स्थूल शरीर है, इसका संबंध आपके मूलाधार चक्र से है। यानी एक स्थूल शरीर में जितनी सामान्य संभावनाएं होती हैं, वह मूलाधार चक्र के कारण ही होती हैं। परंतु इसके बाद के चक्र और इसके बाद के शरीर हमारे शरीर की जो भी पड़ते हैं, वह सब भीतरी घटना है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, आपका मन ये एक मानसिक शरीर है, और इस मन को मेडिकल एग्जामिन में भी नहीं पकड़ा जा सकता, इसे नहीं देखा जा सकता। ये मन आपके भीतर कहाँ है, सिर में, पेट में, सीने में, इसे पता लगाने का कोई उपकरण नहीं है। परंतु यह है तो सही, क्यों है ना? तो सबसे पहले जब ऊर्जा उठती है, या कहूं उस ऊर्जा की गति तेज होती है, तब यह 3 नाड़ियों से गति करती है, जिसे आप ईड़ा, पिंगला या सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं, और आपके चक्र की गति को तेज कर देती है, जिससे आपके भीतर छुपी हुई संभावनाएं खुल जाती हैं। जैसे जैसे जो चक्र सक्रिय होता जाएगा, आपके शरीर के भीतर, मतलब जो आपके 7 शरीर हैं, उनकी कार्य शक्ति बढ़ती चली जाती है। जैसे अगर शक्ति बिल्कुल निचले स्तर पर पड़ी है, तब मनुष्य एक पशु के भांति है। शक्ति थोड़ी सी गति करती है तो मनुष्य साधारण मनुष्य में आ जाता है। शक्ति और ऊपर जाती है, तब ऐसे मनुष्य बुद्धिमान होते हैं, जैसे अल्बर्ट आइंस्टीन, श्रीनिवास रामानुजम। उनके भीतर ये अद्भुत शक्ति किसी चक्र के सक्रिय होने की वजह से हुई। फिर अगर व्यक्ति इससे ऊपर जाता है, जहां ऊर्जा का फ्लो और तेज हो जाता है, तब वह अलौकिक शक्ति वाला मानव हो जाता है। उससे ऊपर जाने पर वह देव या दानव के रहस्यों को समझ पाता है, और आज्ञा चक्र तक आते आते वह कई लोगों का ज्ञान प्राप्त कर लेता है। उसके सूक्ष्म शरीर की संभावनाएं पूरी तरह से खुल जाती हैं। आपका सूक्ष्म शरीर और सूक्ष्म जगत की सभी संभावनाएं आपके आज्ञा चक्र की शक्ति से खुलती हैं, और उसके बाद सहस्रार चक्र यानी सर्वशक्तिमान ईश्वर में ही विलीन हो जाना। इसे पार करने के बाद कुछ नहीं बचता, फिर आप शून्य हो जाते हैं।
इसी प्रकार से आपके शरीर में मौजूद सातों चक्र आपके सातों शरीरों को ऊर्जा देकर उनकी संभावनाओं को खोलते हैं या कहूं उन्हें एक्टिव करते हैं। तो जब व्यक्ति मरता है तब वह अपना स्थूल शरीर छोड़ता है, लेकिन शरीर छोड़ने से पहले उसने अपने भीतर बहुत कुछ जमा किया होता है जो उसकी बाकी परतों से संबंध रखता है। जैसे मान लीजिए आपको किसी चीज का दुख हो तो उस दुख की मेमोरी आपके भीतर रहती है। जब तक ये शरीर जिंदा होता है तब तक आप उसकी मेमोरी रख पाते हैं। मतलब कुछ ऐसे जैसे मनुष्य के भीतर होने वाली सभी सूक्ष्म घटनाएं, जैसे आपके विचार भावनाएं, इन सबको संग्रहित करने के लिए आपका शरीर उपकरण यानी एक कंटेनर का काम करता है। इस शरीर के बिना उनका कोई अस्तित्व दिखाई नहीं देता, परंतु उनका अस्तित्व होता है। जैसे एक कंप्यूटर, उसमें मौजूद हार्ड डिस्क, उस हार्ड डिस्क में बहुत सारी मेमोरीज, बहुत डाटा होता है। आप उस हार्ड डिस्क को अपनी पॉकेट में डालकर बाहर घूम सकते हैं, उसमें बहुत सारी स्मृतियां मौजूद हैं, परंतु उन सभी डाटा को प्रूफ करने के लिए आपको कंप्यूटर की जरूरत पड़ती है, उसे देखने समझने के लिए। ठीक उसी प्रकार से आपकी स्मृतियां, आपकी भीतरी घटनाएं, वो इस शरीर के माध्यम से भीतर घटती रहती हैं। इसी प्रकार से किसी सुख की मेमोरी, लालच की मेमोरी, लोभ की मेमोरी, पीड़ा और घृणा की मेमोरी या प्रेम की मेमोरी, ये सभी चीजें आपने बहुत दिनों से जमा की होती हैं, तो इनकी वाइब्रेशन आपके शरीर में सूक्ष्म रूप से मौजूद होती है। हालांकि शरीर को चीरफाड़ करके आप किसी मेमोरी को बाहर नहीं निकाल सकते, उसे नहीं देख सकते। यह बहुत सूक्ष्म है, यह एक कंपन की तरह है, यह आपके भीतर मौजूद है। तो जब आपका शरीर नष्ट होता है, यह मर जाता है, तब भी यह कंपन नष्ट नहीं होता, केवल स्थूल चीज नष्ट होती है, वह गिर जाती है। आपने अपने भीतर जमा की हुई बाकी चीजें वो वहीं हवा में रहती हैं, इस यूनिवर्स में, उसे नष्ट करने का कोई उपाय नहीं है। और जब किसी नए जीवन को पैदा होने का अवसर बनता है, कोई नया बच्चा जन्म लेता है, तो वो जो चीजें हवा में थीं, जो वाइब्रेशन, जो कंपन वातावरण में मौजूद था, जिसे आप जीव कह सकते हैं, जीवात्मा, वह शरीर को पकड़ लेता है अपनी उन सभी मेमोरीज को जीने के लिए। आपके भीतर मौजूद वो वाइब्रेशन, वो कंपन, वो मेमोरी, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता शरीर हो या ना हो, वो हर जगह फैली हुई है, वो मौजूद है। हाँ, जैसे ही उसे शरीर मिलने का अवसर मिलता है वह तुरंत उसमें प्रवेश कर लेती है। इसी प्रकार से आपके आसपास केवल आप ही के कंपन, आपकी ही वाइब्रेशन नहीं है, दुनिया में जितने भी लोग मरे हैं उन सबकी वाइब्रेशन यहाँ मौजूद है, अच्छी बुरी हर प्रकार की। इसीलिए आपका मन समय समय पर इस हवा में से उन कंपन को पकड़ता रहता है, कभी कभी सिग्नल मिलते रहते हैं। इसी वजह से कई बार आपके मन में अजीब अजीब विचार आने लगते हैं। जो चीजें आप सोचना नहीं चाहते वह अपने आप ही आपके दिमाग में आ जाती है, क्योंकि आपके भीतर आपके मन की तरंगे बाहर से कुछ ना कुछ पकड़ती रहती हैं, और जिस प्रवृत्ति के आप होते हैं उसी प्रवृत्ति की तरंगे आप रिसीव करते हैं। इसीलिए दुनिया में ज्यादातर लोग कहते हैं कि हमेशा पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव सोचने पर चारों तरफ पॉजिटिव तरंगे फैलेंगी और आप वही छोड़ोगे वही रिसीव करोगे, तभी ये पॉजिटिव वाला स्लोगन इतना फेमस हुआ। तो बेसिकली आपकी ये 7 एनर्जी बॉडीज होती हैं, जिसमें कि आप अपने इस स्थूल शरीर को देख सकते हैं, ये भी ऊर्जा की वजह से निर्मित हुआ है, और इसके भीतर की 6 लेयर्स, जो बचे 6 शरीर हैं, वो एनर्जी बॉडीज हैं। ज्यादातर मनुष्य की चेतना मूलाधार चक्र पर आकर रुक जाती है, और इसी वजह से मनुष्य को बाकी शरीरों का बोध नहीं हो पाता, वह विकसित नहीं हो पाते, क्योंकि ऐसे मनुष्य ऊर्जा का इस्तेमाल भौतिक जगत के लिए करते हैं।